अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का खैर मकदम। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप अच्छे होंगे और दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। मैं आप हज़रात की खिदमत में इस मौजू के साथ हाजिर हूँ कि कामयाबी कैसे मिलेगी, कामयाब कौन लोग हैं और कामयाबी कैसे मिलती है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, अच्छाई की तरफ बुलाए, और जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो गिरोह जो अच्छाई की तरफ बुलाता है वो कामयाब लोगों का गिरोह है, वो फलाह पाने वाले लोगों का गिरोह है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बता दिया कि कामयाबी का रास्ता क्या है। कामयाबी का रास्ता यह है कि लोगों को गलत रास्ते से निकाल के अच्छाई के रास्ते की तरफ लाइए, सही रास्ते की तरफ लाइए, कुरान और सुन्नत की तरफ लाइए। और कुरान और सुन्नत की तरफ तो वही ला सकता है जो पहले से खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करता हो, जो कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलता हो। आप भी कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलें और लोगों को भी लाएं कुरान और सुन्नत के रास्ते पर। उससे क्या होगा कि आप लोगों को भलाई की तरफ दावत दे रहे होंगे, और जो भलाई की तरफ दावत देता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वो गिरोह जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाता है वो गिरोह जो होता है वो कामयाब लोगों का गिरोह है। तो आप अगर कामयाबी चाहते हैं, आप अगर फलाह चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको सोचने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम कर लीजिए, लोगों को गलत रास्ते से निकालिए और नेकी वाले रास्ते की तरफ लाइए। ये अमल ऐसा है कि आप इस अमल को करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। तो कामयाब लोग वही है जो लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातुबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग़।